अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट एंड टेस्टी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टमाटो केचप की है। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 किलो टमाटर लिए हुए हैं, इनको क्यूब्स में कट कर लिया और कुछ लंबाई में। आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने किस तरह इनको क्यूब्स में कट किया हुआ है और कुछ मैंने लंबाई में लिए हुए हैं। चले अब हम इसको एक नॉन स्टिक पैन में ऐड कर लेते हैं। बस हमें इसे इतना कुक करना होगा कि सॉफ्ट हो जाए, अपने ही पानी में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। लहसुन लिए हुए मैंने 6 से 7 चव्वे, अदरक लिया हुआ है 2 इंच का एक पीस ले लें, उसे कट कर लें, और प्याज लिया हुआ है मैंने हाफ मीडियम साइज़, 4 लौंगे ली हुई है, 1 दालचीनी स्टिक ली हुई है, इसको मैं करूँगी मिक्स। और मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं अपने ही पानी में। अब मैं सबसे पहले इसका रिमूव करूँगी दालचीनी स्टिक को। देख रहे होंगे आप कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं ये, इसको रिमूव कर लेते हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी इस पल्प को, ताकि हमारा स्मूथ हो जाए और हम इसको फिर छान सकें छलनी में। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब मैं इसको छलनी पे छान लेती हूँ और बाकी हम जो डिस्कार्ड कर देंगे, और इसका जो स्मूथ बैटर है वो हम अगेन कुक करेंगे। ये दोबारा मैंने इसको ऐड कर लिया उसमें और बाकी छलनी वाला डिस्कार्ड कर दिया है। अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1.5 कप, सॉल्ट ऐड करूंगी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी 2 टीस्पून, इसको करूंगी मैं अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं अब ऐड करूंगी सिरका 1 कप, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको कवर करके रख रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हैं इसमें। अब मैं इसमें सेलरी ऐड करूँगी, कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है मैंने 2 टेबल स्पून और वाटर लिया हुआ है 3 टेबल स्पून। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे ताकि हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी टमाटो केचप की मिल सके। ये देख रहे होंगे आप आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐड कर रही हूँ ताकि कोई लम्स भी ना बने इसमें। अब मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे रखूँगी 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको जो है बॉटल में निकाल लेती हूँ, ठंडा करके आप इसे बॉटल में रख लें। किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे रख सकते हैं। मज़ेदार हमारा टोमेटो केचप तैयार है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, किसी भी टी टाइम आप स्नैक के साथ इसे जो है बनाएं, बहुत मज़ेदार टोमेटो केचप होममेड तैयार है। वाह, ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल हॉट एंड टेस्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।